हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विशेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विशेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की। यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई हुई है टीवीएस नेक्स्ट लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर आपकी सारी ब्रांच के जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मैकेनिकल के, चाहे इलेक्ट्रिकल के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के, सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 50 सीट है। और यहाँ पे आपकी जो ओपनिंग हुई है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते होंगे learning.tcshub.in के ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर मैं हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे आपका TCS आयन के अंदर आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर दे रखा है। एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए, फ्रेशर्स हैं, कोई भी किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो सर्विस रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज की सर्विस रहने वाली है। यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगी वो 3,40,000 से 4 लाख के बीच आपका यहाँ पे CTC जो है कॉस्ट टू कंपनी आपकी यहाँ पर रहने वाली है साल की। तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए करीब 30-40 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। बाकी इसके अंदर जो भी कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसमें जरूर अप्लाई करिए। और जिन्हें भी लगता है कि उन्हें फील्ड जो है, बहुत सारे जो मैकेनिकल के होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, करियर अपना सॉफ्टवेयर मार्केटिंग के अंदर, अपना सॉफ्टवेयर के अंदर अपना यहाँ पर करियर शिफ्ट कर जाते हैं। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार अच्छा मौका है, 50 सीटें हैं, ट्राई करिए। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अपना फॉर्म जरूर भरिए। इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज आई क्यू अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग इस लिंक पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपको ज़्यादा जोरदार नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब यहाँ पे आगे दिखाता हूँ जॉब समरी। यहाँ पे आपको देखिए कुछ, देखिए आपको अगर कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जाना है तो आपको कुछ बेसिक आपको चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि आपका बेसिक सी, सी प्लस प्लस और जावा के बारे में कम से कम कुछ बेसिक थोड़ा बहुत भी पता है तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। बाकी कंपनी तो आपको अपनी ट्रेनिंग देगी 6 महीने साल भर की, उससे तो आप लोग वहाँ पे सब कुछ सीख ही जाएंगे। लेकिन इनिशियल तौर पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कम से कम आनी चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत HTML5 यहाँ पे दे रखा है, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है टोटल आपको, बाकी थोड़ा प्रॉब्लम थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अगर आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका जो है मतलब कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा अच्छी चीज़ें बस ये इंपॉर्टेंट है जो मेन मेन है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ बात करें स्किल की, तो देखिए स्किल तो आपके पास जो सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आप डिज़ाइन अच्छा करना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स, आपका विजन विजन जो भी स्किल्स हैं सब मतलब कॉमन है, सब स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया होना चाहिए, अच्छे से किसी चीज़ को बता सकते हैं, आपका लिखने का, आपका जो है आपका स्पीकिंग वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें स्किल्स होती हैं जो आपको, ये तो हर कंपनी के अंदर आपकी स्किल्स तो आप लोग जानते हैं, आजकल स्किल इंडियन मूवमेंट भी चल रहा है, तो इसीलिए स्किल्स तो इंपॉर्टेंट हैं। आपकी डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्किल्स होती हैं। स्किल्स अगर आपके पास अच्छी हैं तो आप कहीं भी जॉब जो है अच्छी जॉब ले सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पे स्किल्स वगैरह यहाँ पे दे रखी है। अब देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन, तो देखिए बैचलर अगर आपने बी कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और या फिर बीटेक कर रखा है, तो किसी भी ब्रांच का अगर आपने कर रखा है तो इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 50 सीट से मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड का तो है जो भी आपका प्रेफर्ड है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने बी, बी टेक, एम ई, एम टेक, आई टी, सी एस ई और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में करा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी कर रखा है और आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उस फील्ड में आप जाना चाहते हैं और आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपनी जॉब जो है ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, 28 मई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और 26 अगस्त को आपका यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। और अबाउट कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, टीवीएस ग्रुप का पार्ट है टीवीएस नेक्स्ट यहाँ पर, तो इसके बारे में तो आपको यहाँ पे होगा ही क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका देखिए करंट जो है रिक्वायरमेंट आया हुआ है आपका TCS के अंदर, TCS कह रहा हूँ, TVS के अंदर, उसमें आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए और जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारा चैनल नॉलेज आईक्यू विषय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। और साथ साथ इसके जो आपको लिंक है टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो को एंड होते ही। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।